NR7 की स्ट्रेटेजी में लेके आई हूँ आज की वीडियो में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत ही इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हो लाइव मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आपको डेली नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट लेके आपको जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मार्केट किस तरह से चलती है। या तो अप ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आएगी, उसके बाद जो है साइडवेज होगी, उसके बाद ब्रेकआउट देगी। यहाँ पे इस तरह से चलती है मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग होकर अप ट्रेंड में जाएगी, उसके बाद साइडवेज चलेगी, उसके बाद ब्रेकआउट देगी। इस तरह से मार्केट चलती है, ये आपको पता है। या फिर मार्केट ओपन होते ही साइडवेज हो जाएगी। तीन चार जरिए होते हैं मार्केट को चलने के, बस इसी तरह से मार्केट चलती है। या फिर पूरा दिन मार्केट जो है डाउन साइड ही रहेगी, या फिर पूरा दिन मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही रहेगी। यही तीन चार या पांच जरिए होते हैं मार्केट को चलने के, मार्केट को पहचानने के। तो मार्केट को किस तरह से आप पहचान सकते हो, यहाँ पे मैं यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, फिर एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज चली है। इस जगह पे साइडवेज चलने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा बढ़िया ब्रेकडाउन दिया है। तो जब भी मार्केट इस तरह से बिहेव करती है, समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मार्केट यहाँ पे इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से कुछ मूवमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे चल रही है, चल रही है, चल रही है, और यहाँ पे स्क्वीज़ होते जा रही है, स्क्वीज़ होते जा रही है। स्क्वीज़ होने के बाद जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी ना, अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हमें आपको हमें जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं और वेट करते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है मार्केट में। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली मैं बता रही हूँ, सिंपल तरीके से कि किस तरह से आप मार्केट को पहचान सकते हो। यहाँ पे आपको वेट करना होता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। जब भी मार्केट इस तरह से स्क्वीज़ होगी ना, स्क्वीज़ जब भी होती है तब हमें मार्केट के फटने का वेट करना है। जब मार्केट फटेगी ना तब आपको प्रॉफिट होगा। बस यही सिंपल तरीका है आपको समझाने का कि जब मार्केट यहाँ से फटेगी तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो फटने का वेट करना है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, कन्फर्मेशन कैंडल हमारे लिए ये बनती है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है इसके बाद, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन कैंडल बनी। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते थे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया होता। हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है। यहाँ से अगर यहाँ तक नाप लेते हैं मार्केट ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, 1115 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया है, आप देख पा रहे हैं। और एक एग्जांपल दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आगे दिखाऊंगी मार्केट में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने कितना सिंपल सा एग्जांपल दिया कि जब भी मार्केट इस तरह से स्क्वीज़ होती है, स्क्वीज़ जब भी होगी ना मार्केट, हमें सिर्फ वेट करना है कि कब इस जो है ये जो हम कुछ भी कह लें इसे, इस स्क्वीज़ में से जब भी निकलेगी मार्केट, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देगी। अब हम आगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे डाउन साइड आई है, सीधा सीधा मार्केट जो है एक ही ट्रेंड में चली है। तो मार्केट इसी जो है दो तीन ट्रेंड में चलती है, तीन चार ट्रेंड होते हैं मार्केट के चलने के, और कभी कभी चार्ट पैटर्न बना देती है मार्केट। चार्ट पैटर्न का भी हम प्रॉफिट अच्छा खासा ले सकते हैं मार्केट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम मैं इसे स्क्वीज़ कर दूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी मार्केट जो है स्क्वीज़ करते हुए चल रही थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है एक ही जोन में। जब भी ऐसे जोन में मार्केट सस्टेन करती है या स्क्वीज़ हो जाती है धीरे धीरे, तो हमें यहाँ पे स्क्वीज़ होने का वेट करना है। जैसे ही वो स्क्वीज़ में से निकलेगी मार्केट बाहर, तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट दिया है।
यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कन्फर्मेशन कैंडल पे हमें एंट्री लेनी होती है, या फिर रिट्रेसमेंट जब होगा मार्केट का तो रिट्रेसमेंट पे हमें एंट्री लेनी होती है, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल जाता है मार्केट से। तो इस तरह से आपको मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको पहचानना होता है कि मार्केट क्या कहना चाहती है और मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट को पहचानना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को पहचानना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, कैंडल स्टिक क्या कह रही है वो भी आपको पहचानना पड़ेगा। इंडिकेटर्स जो है 100% वर्क नहीं करते, चार्ट पैटर्न 100% वर्क नहीं करता, इसलिए आपको जो है स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट आपका जो है बड़ा कैपिटल भी लेके जा सकता है एक ही दिन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें और मार्केट जो है यहाँ पे स्क्वीज़ होती जा रही है, आप देख पा रहे हैं एक ही ट्रेंड में, एक ही जोन में चल रही है मार्केट और यहाँ पे जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसे तोड़ नहीं पा रही है, तो इस रेजिस्टेंस में कुछ तो बात है जिसकी वजह से मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है और मार्केट यहाँ पे स्क्वीज़ होती जा रही है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट स्क्वीज़ होती जाएगी तो हमें सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना होता है। तो क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रिट्रेसमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो है हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख लेते हैं और उसके बाद मार्केट ने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि आपको अच्छे से जो है रिट्रेसमेंट भी दिखाई दे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है हमने और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन कैंडल का रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनाया, ये हमारे लिए कन्फर्मेशन कैंडल होगा, उसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ आपको स्क्वीज़ होने का वेट करना है मार्केट में। जब भी मार्केट स्क्वीज़ हो जाएगी ना, तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट देगी। जब भी मार्केट उस स्क्वीज़ में से निकलेगी बाहर, अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट देगी। इसके साथ आप एक इंडिकेटर भी मिक्स कर सकते हो स्क्वीज़ पहचानने के लिए, जिसे कहते हैं बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर अगर आप बोलिंजर बैंड टाइप करोगे, बोलिंजर बैंड टाइप करते ही आपको बोलिंजर बैंड यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसे भी आप लगा सकते हो अपने चार्ट में और इसे भी जो है अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है दोस्तों। आपको इस स्ट्रैटेजी में कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको देखना है कि मार्केट स्क्वीज़ कब होती है। जब भी स्क्वीज़ होगी आपको वेट करना होता है स्क्वीज़ तोड़ने तक। जब भी स्क्वीज़ अप ट्रेंड में तोड़ेगी या डाउन ट्रेंड में तोड़ेगी आपको एंट्री लेनी होती है और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना होता है। स्टॉप लॉस आपका जो है इसमें 80 से 90 पॉइंट का होना चाहिए और आपका टारगेट जो है 150 से 200 पॉइंट का होना चाहिए। तो अब मैंने आपको टारगेट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया और जो है ये भी बता दिया कि आपको एंट्री कब लेनी होती है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके मार्केट से। और ये NR7 की जो स्ट्रैटेजी है वो कोई इतना बताता नहीं है दोस्तों, आप YouTube पे देख लीजिए, कोई इतना डीपली नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके और जो एनालिसिस करना सीख सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।